हेरी गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गटेरी खिंडोले अमृत बनके पर्वत ऊपर गई ठहर भागीरथ ने तब कर रखा खोद के लाया ताने भागीरथ ने तब कर रखा खोद के लाया ताने तेरी 60,000 सगड़ के बेटे जो मुक्ति का पागे धाम अयोध्या के धोरे गंगाजी धराया नाम ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सो भैसा में ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते तेरी सब रहते तेरे हे गंगा जी का भजन पंडित जी के द्वारा लिखा हुआ परम आदरणीय घासीराम यादव जी वो इस भजन पर 100 रुपए आशीर्वाद देते हैं उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। और जिन भाइयों की मोटरसाइकिल सामने खड़ी है जो ग्राउंड में खड़ी है कृपया इनको साइड में इधर खाली जगह पड़ी है ग्राउंड पड़ा हुआ है अपनी बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी जो खड़ी करनी है कृपया साइड में करें। धन्यवाद साथियों। गंगा मैया जी के प्रतिभाव हमारे आदरणीय बड़े भाई घासीराम यादव जी ने प्रस्तुत किए। भाई कावड़ लेने जाते हैं कई हजारों का खर्चा हो जाता है लेकिन जो कह रहे हैं जहाँ भाव हो मन चंगा तो कठोती में गंगा। अगर मन में भाव है तो वास्तव में गंगा मैया यहीं से प्रसाद दे सकती है सभी का उद्धार करें। दूसरी बात के द्वारा किस तरह से बताया कैसे का उतारा श्राप शांतनु के ब्याही गई वसुओं का पढ़ाया बाप शील गंगे छोड़ के ने सुरग में गई दिया ओ शील गंगे छोड़ के ने सुरग में गई दिया। तेरी तीन चरण पछेरेगे एक चरण दर के आई
900 मील इस पृथ्वी पे अमृत रसे पण के छाई रेगे रिजु अथर सोम वेदों ने बढ़ाई गाई ओ रेगे रिजु अथर सोम वेदों ने बढ़ाई गाई तेरी एक दिन कई थी सने परसी मुओ सरदार कन्हई या तू उनके संगे रुकमणे झूल रही रूप से ये जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हम उम्र हमारी उम्र के हैं वो जानते हैं इन तर्जों को। ये देसी तर्ज है जो हमारी हरियाणवी राजस्थान और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी संस्कृति से जुड़ी होती है। नौजवानों से प्रार्थना भाई ये भी सुन लिया करो, वो डुचक मुचक भी ठीक चल रहा है लेकिन ये चीजें भी पक्की चीजें होती है, इन्हीं के बल पर ये संगीत टिका हुआ है। 100 रुपए गंगा मैया के चरणों में अर्पित करते हैं अपने भावों की अर्पण। आदरणीय ओम प्रकाश यादव साहब तिगामा से इस पवित्र गांव से 100 रुपए गंगा मैया के चरणों में अर्पित करते हैं। ये मन चंगार कठौती में गंगा जो कहावत है, जो विद्वान कवियों ने चीजें बताई है कि कर भला हो भला, ये सब चीजें वास्तव में हैं। अगर नहीं होती तो अब तक कलम फिर जाती। एक पंडित जी गंगा जी नहाने जा रहे थे, रविदास संत हुए हैं, नु कह रहे कि भाई जन्म जात का जोर चलेना कर्म ही बड़े बताए, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कर्म से ही श्रेष्ठ होता है। रविदास जी किस जाति से थे, वाल्मीकि जी किस जाति से थे, तुलसीदास जी किस जाति से थे, विश्वामित्र किस जाति से थे, तो जातियों का कोई अर्थ नहीं होता। पंडित जी गंगा जी नहाने जा रहे थे, रविदास को कहने लगे कि पंडित जी रविदास जी गंगा जी नहाने चलते हैं। रविदास जी कहने लगे भाई मैं तो दिन में जूतियां बनाता हूँ, 10-5 रुपए मिलते हैं, बड़ा परिवार पालन करता हूँ, एक काम करना तुम ये 100 रुपया मेरा गंगा मैया के हाथ में दे देना। पंडित जी गंगा मैया पे पहुंच गए, पूजा पाठ किया, स्नान किया, उसके बाद याद आई रविदास जी की 100 रुपया, कहने लगे गंगा मैया ये अपने हाथ में ले लो, ये रविदास जी ने भेजा। गंगा मैया ने एक हाथ ऊपर किया, 100 रुपया रख दिया, दूसरे हाथ में एक सोने हीरे का कंगन हीरे जड़ी तो वो दे दिया। लेकर पंडित जी रास्ते में जब आए तो लालच आ गया, सोचा भाई ये क्यों रविदास को दिया जाए, घर लेके चलो। घर आए पंडितायन को दे दिया, पंडितायन कहने लगी इसका क्या करेंगे हम तो गरीब है, राजा को दे दो वो कुछ इनाम देगा उससे गुजारा हो जाएगा। पंडित जी राजा जी के पास पहुंचे, राजा को जाके वो कंगन दे दिया कि ये कंगन मुझे गंगा मैया ने दिया है, इसे आप ले लो। राजा ने पुरस्कार दे दिया, राजा ने सोचा रात को जाऊंगा रानी बड़ी खुश होगी कंगन देख के। अब महलों में पहुंचा, रानी को कंगन दे दिया, कंगन देखते रानी बोली कंगन तो बहुत बढ़िया है राजा जी, पर ये तो एक ही है, दूसरा कहां है, दूसरा कंगन लाओ नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब भाई ये बात तो माननी पड़ती है पत्नी की, तो आदेश कर दिया पंडित जी को कि भाई दूसरा कंगन और लाओ नहीं तो तेरा जन बच्चा कोल्लू में पिलवा देंगे। अब पंडित जी को बड़ा चक्कर पड़ा, रविदास जी के पास आइए 100 रुपए करमवीर और देवदत्तीय नौजवान साथी भाई गंगा मैया के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, इनकी कावड़ भी स्वीकार करें, इनके जीवन का उद्धार करें इन साथियों का। आइए पंडित जी संत के पास पहुंचे रविदास जी के, रविदास जी ये चक्कर हो गया, मैंने बेईमान ना कर लिया आपका कंगन, मैं घर ले गया लालच से और ये आप हतान पड़ी है, राजा ने हुक्म कराया दूसरा और लाओ नहीं तो जन बच्चा कोल्लू पिलवा देंगे। संत बड़े महान होते हैं, त्यागी तपस्वी होते हैं, आदरणीय बाबा भर्तरी का नाम भी त्याग मूर्ति के नाम से जाना जाता है। कहने लगे भाई ऐसा कर पंडित जी कहे 100 रुपया दे दो मैं गंगा मैया से फिर ले आऊंगा, किस वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक काम कर जो मैं चमड़ा भी गोता हूँ कटौती इसमें से निकाल ले। पंडित जी ने हाथ दिया उसमें दूसरा सोनिया कंगन निकाल लिया, बोली गंगा मैया की। तभी से कहावत पड़ेगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तीसरी बात के द्वारा गंगा मैया कहां से निकली कैसे पहुंची। लक्ष्मण झूला छुट्टी लहर कर मुक्तेश्वर हे ऋषि केश हरिद्वार
कण खड़ में अमृत की लहर कण मुक्तेश्वर इलाहाबाद गया जो पवित्र से वो कण मुक्तेश्वर इलाहाबाद गया जो पवित्र से इर कलकत्ते ते सिद्धी होली हावड़ा दिखाई शान समंदर में जाके मिल गई सागर का घटाया मान सूर्य जी ने अमृत पी के अम्बोजल का करया बखाने सूर्य जी ने अमृत पी के अम्बोजल का करया बखाने फिर एक दिन गई थी सने तुम्हारी लड़े अर्जुन कृष्ण है मुरारे कन्हई या जो हरियाणा पुलिस के पेपर में जो था उसमें एक प्रश्न आया था कि भाई गुरु लक्ष्मीचंद जी जो थे रहे कभी उनके गुरु जी का नाम बताओ। वो बहुत सारे नौजवान नहीं बता पाए जबकि पंडित लक्ष्मीचंद जी बड़े सूर्य कवि बड़े विद्वान देव पुरुष हुए हैं। आखिरी बात के द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद जी की प्रणाली को खोला गया कैसे बताया गया कैसे बताया मसीनाथ तेरे अंदर छान के मिले थे आप मान सिंह भी तेरे अंदर छान के मिले थे आप श्री लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर आने के मिले थे आप श्री लक्ष्मी चंद तेरे अंदर आने के मिले थे आप अरे वही मुक्ति पाजा गंगे तेरे अंदर पाणची में रहन लाग गया मामूली सा काने आड़ा सिमांगे राम एक दिन गंगे तेरे अंदर आड़े आड़ा वे मांगे राम एक दिन गंगे तेरे अंदर आड़े आड़ा तेरी आड़े मिलेगा तेरे ले